1950 और 1980 के बीच तमिल इंडस्ट्री पर सिर्फ एक ही एक्टर का राज होता था, वो थे जेमिनी गणेशन। उन्हें तमिल इंडस्ट्री का कराल मंदन यानी किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। जेमिनी अपने जमाने के सबसे हैंडसम और गुड लुकिंग एक्टर माने जाते थे। उनके लुक्स के इतने सच्चे थे कि उन्हें कभी बदसूरत दिखने वाले रोल तक ऑफर नहीं हुए। जेमिनी ने 3 शादियां की थी जिनके लिए उनकी 8 संतानें हुई। रेखा भी जेमिनी की बेटी थी, लेकिन अभिनेता ने कभी उन्हें अपना बेटी का दर्जा नहीं दिया और कहा जाता है कि रेखा के मन में भी हमेशा ये बात खटकती रही। जेमिनी कभी एक्टर नहीं बल्कि डॉक्टर बनना चाहते थे और पहली शादी भी उन्होंने इसी लालच में कर ली। जेमिनी को उनके ससुर ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने का भरोसा दिया था। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखते आए जेमिनी ने इसी लालच में पहली शादी कर ली। हालांकि वो कभी डॉक्टर तो बन नहीं पाए, लेकिन किस्मत से वो सिनेमा तक जरूर पहुंच गए। फिल्मों में पहले साइड हीरो, फिर विलन बने जेमिनी, फिर हीरो बन गए। उन्होंने दूसरी शादी सावित्री से की, जो अपने जमाने की सबसे अमीर अभिनेत्री मानी जाती थी। इसके बाद उन्होंने 78